न्यूजीलैंड दे चीन आधारित बीजिंग वीजा ऑफिस विच 80% स्टाफ बीजिंग पुलिस दी मालकी वाली कंपनी दा स्टाफ सी। इस खुलासे नाल असी इना शंकावां नूं मनफी नहीं कर सकते हां कि चीन तो बाहर जाण दे चाहवान लोकां बाबत चीन दीयां सुरक्षा एजेंसियां तक जानकारी नहीं पहुंचदी होवेगी। हालांकि न्यूजीलैंड दे इमीग्रेशन मंत्री क्रिस फेफोई होरां दा मनना है कि ओह न्यूजीलैंड दे बीजिंग आधारित दफ्तर दी जानकारियां बाबत सुरक्षा प्रबंध तो संतुष्ट ने, पर इस संतुष्टि दे हेत इक तौखला वी दरपेश है। हुण इस बाबत कौमांतरी पद्धर ते गलबात चल रही है कि होर मुल्कां दे चीन आधारित वीजा दफ्तरां विच चीन दे सुरक्षा अदारियां दी सिद्धी असिद्धी घुसपैठ किसे ना किसे रूप विच जरूर है। कैनेडियन सुरक्षा ते खुफिया एजेंसी दे साबका डायरेक्टर रिचर्ड फेडन दा कहना है कि कैनेडा समेत न्यूजीलैंड वर्गे आजाद ख्याल मुल्कां नूं अपने बीजिंग आधारित दफ्तरां दी मौजूदा व्यवस्था ते प्रबंध नूं खत्म करके नवे प्रबंध करने चाहीदे ने तां कि इमीग्रेशन बाबत आंकड़ियां ते वीजा अप्लाई करन वाले बिनेकारां दे कारण संबंधित मुल्कां दीआं सुरक्षा एजेंसियां तक ना पहुंचण। एना ही नहीं, बीजिंग वाला न्यूजीलैंड का वीजा दफ्तर भी कई होर मुल्कां दे बिनेकारां दे वीजे भी प्रोसैस करता सी, जिस करके दक्षिणी एशिया दे कई मुल्कां दीआं जानकारियां इस दफ्तर का हिस्सा रहियां ने। ब्यूरो रिपोर्ट, NZ पंजाबी न्यूज़।